लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर राजनीतिक दल ने कमर कस ली है और हर राजनीतिक दल यह चाहता है कि उसका उम्मीदवार जनता के मनमाफिक हो, जनता उसको वोट दे और चुनकर लोकसभा में भेजे। इसीलिए जनता का मूड भांपा जा रहा है और कार्यकर्ताओं की राय जानी जा रही है। हम भी जनता का मूड जानने के लिए एक यात्रा पर निकले हैं और इस यात्रा पर आप पहुँचे हैं नवलगढ़, जो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। यहाँ की हवेलियाँ और यहाँ की बावड़ियाँ पूरे देश में विख्यात है। नवलगढ़ में हम जान रहे हैं जनता का मूड कि आगामी लोकसभा इलेक्शन को लेकर जनता क्या सोचती है। भाई नाम क्या है आपका? राकेश। राकेश भाई, अभी जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें तो आप लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया। अब जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उसमें जनता का मूड क्या है, नवलगढ़ की जनता का मूड क्या है, आपका मूड क्या है? नवलगढ़ जनता की मूड यही है फिलहाल आना यहाँ से, है ना, शायद भाजपा, मतलब जो वर्तमान सांसद हैं वो रिपीट हो जाएंगे। वर्तमान सांसद क्या? हाँ शायद इनको लगता है, लेकिन ये शायद लगा रहे हैं। राजकुमार को टिकट मिलती है नवलगढ़ से तो कांग्रेस भी है ना सांसद यहाँ से हो सकता है, दोनों जिलों से। इनका कहना ये है कि यदि कांग्रेस का अच्छा प्रत्याशी हो, जैसा इन्होंने नाम लिया, यदि वह प्रत्याशी हो तो शायद कांग्रेस जीत सकती। नवलगढ़ में लगातार कांग्रेस का थोड़ा सा पक्ष बना हुआ है, यहाँ की जनता ने अब जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस के पक्ष में अपना वोट दिया था। और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि वो क्या सोचते हैं लोकसभा इलेक्शन को लेकर। भैया नाम क्या है आपका? राकेश। राकेश भाई, एक चीज़ बताइए, अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं तो क्या है जनता का मूड, किसके पक्ष में जा सकता है? अभी तो ज़्यादातर यहाँ बीजेपी का ही चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है, मतलब जब आप इलेक्शन में जाएंगे, मतदान करने जाते हैं तो कौन कौन से इशू दिमाग में होंगे आपके कि ये इशू हैं, अच्छे इशू हैं, इस व्यक्ति ने मतलब मुद्दे क्या होंगे चुनाव के मुद्दे, आपको क्या लगता है इस बार? इस बार पिछली सरकार के हिसाब से अब की बार भी इसी सरकार के हिसाब से ठीक ही है। आपका नाम क्या है? मनीराम। मनीराम जी, यहाँ पर अभी लोग जब भी असेंबली इलेक्शन हुए थे तो आपने कांग्रेस की उम्मीदवार को जिताया, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। अब जो दो महीने इन ढाई महीने में जो कांग्रेस की सरकार ने काम किए, जब आप लोकसभा इलेक्शन में जाएंगे तो क्या वो भी सब चीज़ मायने रखेंगे लोकसभा इलेक्शन में? नहीं, लोकसभा इलेक्शन में तो बीजेपी रहेगी, मोदी का रहेगा, यहाँ मोदी का ही वर्चस्व रहेगा, ऐसा इनका कहना है। और जो आपके सांसद हैं संतोष सहलावत हैं, तो यदि उनको फिर से मौका देती है भाजपा तो क्या स्थिति बनती है? बहुत अच्छी रहेगी भाजपा सांसद की, बहुत अच्छी, यदि बहुत अच्छी रहेगी उसकी। और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, लोकसभा में बराबर ड्यूटी रही है उसकी, और बार बार क्वेश्चन भी बहुत उठाए हैं जिले के लिए भी, इसलिए सबसे अच्छी वही रहेगी। इनका कहना है कि जो सांसद हैं इस समय वर्तमान भाजपा सांसद हैं संतोष सहलाव, उन्होंने लोकसभा में सक्रियता दिखाई है, क्वेश्चन भी पूछे हैं। नवलगढ़ में हम और लोगों से जानते हैं कि क्या है यहाँ पर जनता का मूड। एक बाबूजी अपनी दुकान पर है, बाबूजी नाम क्या है आपका? मेरा रण सिंह नाम है भैया। रण सिंह जी, एक चीज़ बताओ, अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, केंद्र के लिए सरकार चुनेंगे, फिर प्रधानमंत्री भी चुना जाएगा, तो आपको लगता है कि देश का नेता कैसा होना चाहिए, क्या लगता है? देश को नेता देश की सुरक्षा करे वो बढ़िया है। और भी लोग यहाँ पर हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या इनका सोचना है। भाई साहब नाम क्या है आपका? ज्ञान प्रकाश। आप क्या सोचते हैं इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं? मोदी अगेन। कारण क्या है? कारण क्या है? देश का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, तो इनके हिसाब से मोदी। आपका नाम? मोदी। हमारे को तो मोदी चाहिए बस, और कुछ इनको मोदी चाहिए बस, केवल मोदी चाहिए। और भी है, आपका नाम क्या? राकेश कुमार। राकेश जी, क्या सोचते हैं आप कि, क्योंकि अभी प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आई है, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस मजबूत हो रही है? देखिए, मोदी अनुभवी है, वो अभी उनमें अनुभव कम है। भाई साहब नाम क्या है आपका? अनिल शर्मा। अनिल भाई, क्या लगता है आपको कि जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसमें किसकी सरकार आ सकती है, मुद्दे क्या होंगे, चुनावी मुद्दे क्या होंगे? सरकार तो सब मोदी की आनी चाहिए, वही आएगी। अच्छा, अभी जब इलेक्शन हुए थे आप लोगों ने यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई, तो जब ये सरकार, गहलोत सरकार अच्छे काम कर रही है पिछले दो एक महीने से,
चाहे बेरोजगारी भत्ता हो या गुर्जर आरक्षण को जल्दी ख़त्म किया हो या अभी जो 10% आरक्षण वो लागू कर दिया है या फिर जो कर्ज माफी का तो मसला, ये सब करने के बाद ये सब मसले ध्यान में रखेंगे आप? ऐसा है, इस तो गवर्नमेंट जो भी आती है वो सब करती है अपने अपने हिसाब से, लेकिन केंद्र में क्या है, पब्लिक मोदी को ही देखना चाहती है। यहाँ का जो लोकल जो अभी अपने लोग इसका विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ वो एक अलग मैटर है, यहाँ पे जो लोकल जो अपना विधायक है जो भी काम कराता है उस हिसाब से वोटिंग होती है, वो कोई पार्टी विशेष नहीं देखा जाता उसमें। लेकिन केंद्र में मोदी का कामकाज देखते हुए लोग मोदी को ही सपोर्ट करना चाहते हैं। केंद्र में कामकाज देखते हुए मोदी का कामकाज देखा जा रहा है, और ये भी है कि राज्य का और केंद्र का मसला अलग है, शायद इसलिए मोदी इनकी पसंद है। अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आप वोट भी दोगे, वोट देते समय क्या चीज़ सोच के जाते हैं आप? देखो, हम तो ये बात बता रहे हैं आपको कि जो मोदी साहब ने जो वादे किए थे ना वो बिल्कुल फोपले निकले बस। और ये बोल रहे हैं ना कि भाई हमने ये कर दिया ये कर दिया, तो अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये देश इतना आगे कैसे बढ़ा? ठीक है जी, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे इस बार? नहीं, प्रियंका बनेगी। अच्छा, आपका मानना है कि प्रियंका प्रधानमंत्री बनेगी? प्रियंका के आने से कांग्रेस प्रधानमंत्री प्रियंका राहुल नहीं बनेंगे, उनके आने से कांग्रेस मजबूत हुई है? मजबूत भी है कि प्रियंका बनेगी? इनके हिसाब से कांग्रेस मजबूत हुई है, लेकिन प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनेगी? इस समय हम जान रहे हैं नवलगढ़ के जनता का मूड कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनका मूड क्या है, वह किन किन मुद्दों पर मतदान करने जाएंगे और वो किन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम रफीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो जनता का मूड क्या है, आप लोगों का मूड क्या है, नवलगढ़ की जनता का मूड? मूड तो सर ऐसा है कि अपने यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कोई भी बने, बस देश का विकास होना चाहिए ना, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो जो भी हो, देश की तरक्की हो, देश आगे बढ़े और भाईचारा बना रहे। भाईचारा बना रहे, तो आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में देश में भाईचारा बना रहा? नहीं, उसमें क्या होता है, मोस्ट ये होता है कि भाईचारा कुछ जगह भाईचारा ख़राब भी हुआ है, वैसे सारी जगह ऐसा नहीं हुआ है, कुछ जगह भाईचारा ख़राब भी हुआ है। तो आपका वोट या आपका मूड क्या कहता है कि देश का प्रधानमंत्री अब कौन बन सकता है? प्रियंका भी आ गई हैं तो राहुल गांधी कांग्रेस मजबूत हुई है ऐसा कहा जा रहा है, या फिर नरेंद्र मोदी की वापसी होगी? देखिए, ये मेरे एक ही वोट से ही तो बनने वाला है ही नहीं। एक एक वोट से तो आप जानते हैं कि सत्ता पलट जाती है, इसलिए एक वोट तो महत्वपूर्ण है, एक एक ही राय, एक एक का मूड। ठीक है, तो मेरा एक वोट अगर जाना चाहता है तो मैं नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूँ। इनका मत अगर जाएगा और उनसे अगर सत्ता बनती है तो ये नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाएंगे। और यहाँ पर बात करते हैं कि नवलगढ़ की जनता क्या कहती है। बाबूजी, नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा डीपी शर्मा। डीपी शर्मा जी, हम बात कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन की, आने वाले डिक्लेयर कभी भी हो जाएंगे, आपको क्या लगता है इस समय देश की जनता का मूड क्या है या नवलगढ़ की जनता का मूड क्या है, कौन सत्ता में आ सकता है, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? नरेंद्र जी मोदी के अलावा कोई विकल्प देश के सामने? विकल्प तो पार्टी तो विकल्प है, कांग्रेस है, कोई ऐसा लीडर है नहीं सर। हम और बात करते हैं, बाबूजी नाम क्या है आपका? शब्बीर अहमद। शब्बीर साहब, आपको क्या लगता है कि इस लोकसभा इलेक्शन में देश में किसकी सरकार आ सकती है, जनता का मूड क्या है, आपका मूड क्या है? देखिए साहब, मेरे को तो अभी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब यहाँ आने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, कारण क्या मानते हैं, जैसे आपसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, 3 तलाक का मुद्दा है वो लेके आए, तो किस तरह से देखते हैं आप उसको? मेरी नज़र से तो ठीक ही है उनका जो है एक्शन लिया है उन्होंने, क्योंकि ऐसा बहुत सी औरतों के साथ होती रहती है घटना। इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। इस समय हम हैं नवलगढ़ के बाजार में और जानते हैं जनता का मूड कि आगामी लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या रहने वाला है। भाव जी, नाम क्या है आपका? परमानंद साहब। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आप वोट देने जाते हो, वोट देते हो? हाँ, दे हूँ साहब। तो अब जो लोकसभा इलेक्शन होंगे, आपको क्या लगता है देश में किसकी सरकार बन जाएगी? मेरे अंदाज से देखो साहब, सरकार तो गांव मोदी की दार है और मेरे को नहीं बाबू जी हमारे। अच्छा, राहुल गांधी भी हैं और उनके साथ प्रियंका गांधी भी आ गई है, तो आपको लगता है कि कुछ कंपटीशन है दोनों को बराबर सो रहा है, वो कोई खास बात नहीं।
इनको लगता है कि थोड़ा सा कंपटीशन है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक और यहाँ पर बैठे हुए सज्जन, इनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या रहने वाला है लोकसभा इलेक्शन में। चाचा नाम क्या है आपका? अब्दुल कहार। एक चीज बताइए, अभी जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है तो आपको क्या लगता है कि देश में किसकी सरकार आ सकती है और क्यों आ सकती है? कह नहीं सकते हम, देखो अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत हुई है ऐसा सब कहते हैं, राहुल गांधी मजबूत हुए हैं प्रियंका गांधी के आने से, आपके भी यहाँ पर जो विधायक हैं कांग्रेस के हैं, सरकार कांग्रेस के राजस्थान की, तो आपको लगता है कितने चांस हैं कांग्रेस की सरकार आने के? देखो उम्मीद तो है और पीछे देखो क्या होता है आगे पता नहीं। अच्छा, जब आप वोट डालने जाएंगे तो जो पिछली इसने कांग्रेस सरकार ने 2-2.5 महीने में जो काम किया है इसको ध्यान में रखेंगे आप? हाँ, ध्यान में तो यही है, काम किया कि नहीं किया वो तो ध्यान में तो रहेगा ही ना। कांग्रेस सरकार ने स्थानीय मुद्दों पर ये ध्यान रखेंगे कि काम किया नहीं किया, और लोगों से हम बात करते हैं इस बाजार में कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव में क्या रहने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है। भाई साहब नाम क्या है आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी, एक चीज़ बता दीजिए, अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं तो जनता का मूड क्या है, नवलगढ़ की जनता का मूड क्या है? वो तो अलग अलग होता है, सबका अपना अपना विचार होता है। हाँ, मैं वही निकला हूँ, वही विचार जानने निकला हूँ कि क्या विचार है आपका, बता दीजिए अगर जनता का मूड ना हो। मेरा विचार तो मोदी को देने का है। कारण क्या है मोदी के? वो तो देश के लिए काम कर रहे हैं अभी तो, देखो और ऐसा सामने उम्मीदवार भी तो नहीं है कांग्रेस में। अभी हम जान रहे थे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के नवलगढ़ की जनता का मूड, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जानेंगे मंडावा जो इसी लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है वहाँ की जनता का मूड। के बाद फिर से आपका स्वागत है। सालासर के बाद हम पहुंचे हैं सुजानगढ़ में और यहां पर जानेंगे जनता का मूड कि लोकसभा चुनाव को लेकर यहां की जनता क्या सोचती है, किन इश्यूज पर चुनाव देखती है और किसे सत्ता में लाना चाहती है। तो आइए चलते हैं सुजानगढ़ में और जानते हैं जनता का मूड। बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से जो हैं सुजानगढ़ बाजार में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गुलाब भार्गव है। गुलाब भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं सर ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, इस बार क्योंकि आपके साथ बहुत सारी सवारियाँ आती होगी और पॉलिटिकल बात भी करती होगी तो आपको उनका मूड पता चल जाता होगा, तो क्या लगता है जनता का मूड क्या है लोकसभा इलेक्शन? सर जनता का मूड तो लोकसभा में मोदी की तरफ जा रहा है, मोदी की तरफ। हाँ, और सुजानगढ़ की जनता का मूड क्या लग रहा है? सुजानगढ़ की जनता सर मोदी की तरफ ही मेरे को रुझान लग रहा है। तो अभी तो आप लोगों ने यहाँ कांग्रेस की सरकार चुनी है राजस्थान में, फिर ये बदलाव क्यों? कांग्रेस में सर ये सरकार जरूरी थी, कांग्रेस की पिछली सरकार में कुछ खामियां थी इसलिए ये जरूरी थी सरकार। तो फिर कांग्रेस की सरकार पिछली बार भी थी तो अच्छा काम किया था उन्होंने। और फिर केंद्र में आपको मोदी सरकार चाहिए? केंद्र में सर मेरा पर्सनली सर मोदी की तरफ ही है। इनका पर्सनली मोदी की तरफ है। और लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या सोचते हैं, जनता का मूड क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं? ऐसा नाम क्या है आपका? मेरा नाम रवि शंकर है। रवि जी, क्या करते हैं आप? मैं तो ऑटो ड्राइवर हूँ। ऑटो ड्राइवर है। क्या सोचते हैं आप इन लोकसभा इलेक्शन जो होने वाले हैं उनमें जनता का मूड क्या है? जनता का मूड तो यही है कि लोकसभा में मोदी आना चाहिए और फिर आगे देखो देश की जो है। अच्छा, क्यों आना चाहिए मोदी, क्यों आना चाहिए? जो आगे से जैसे फायदे हुए उस हिसाब से। अच्छा, राजस्थान की जो सरकार है, गहलोत सरकार है, कांग्रेस सरकार है, वो भी बहुत सारा अच्छा काम कर रही है पिछले 2 महीने से। आपने भी यहाँ सुजानगढ़ में लोगों को जो बोंडलाल जी हैं उनको जीता के वहाँ पे भेजा है, मंत्री बनवाया है, फिर यहाँ तो कांग्रेस सरकार और केंद्र में भाजपा सरकार ऐसा क्यों चाहते हैं? नहीं, वो यहाँ तो ऐसा होता है ना, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस होता है। अच्छा, 20 साल से यही होता है, इसलिए आपने कांग्रेस को यहाँ पर? नहीं है, पब्लिक का रुख है ये, देखो ये पब्लिक का रुख है और पब्लिक का रुख बदल जाता है। एक और बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मोहम्मद सलीम है। सर मोहम्मद सलीम साहब, क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी सरकार आ सकती है केंद्र में? सर मुझे तो कांग्रेस का ही लगता है, कांग्रेस का ही। ऐसा क्यों लगता है भाई? अब मतलब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो अब पब्लिक कांग्रेस को देगी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो पब्लिक केंद्र में भी
कांग्रेस की सरकार चाहती है यह कहना है सुजानगढ़ के लोग। इस समय हम हैं सुजानगढ़ के लाडनो चौराहे पर, जिसको पुलिया भी कहते हैं। यहाँ हम जानते हैं जनता का मूड क्या है आगामी लोकसभा इलेक्शन को लेकर। चाचा आपका नाम क्या है? मुंशी। मुंशी जी एक चीज़ बताइए, जो अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, अभी असेंबली इलेक्शन हुए थे जिसमें तो आपने कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया, कांग्रेस की सरकार में, अब क्या लगता है आपको केंद्र में किसकी सरकार आ सकती है, क्यों आ सकती है? ये तो देखो, केंद्र में सरकार कांग्रेस की आनी है, और ये क्योंकि ये सब काम उल्टा उल्टा किया हुआ है मोदी जी का। पहले तो दौरे दौरे पर पूरे हिंदुस्तान को बेच के आ गया, और अब वो ये मान लो कल ये ऑब्जेक्शन हुआ था, यहाँ मरे थे जवान, उसके लिए उन्होंने कोई मतलब नहीं है, वो तो दौरे दौरे में घूम रहे हैं। इससे क्या, हम ऐसे कर देंगे, क्या किया गरीबों को, कटोरा दे दिया हाथ में। गरीब आज मजदूर लोग हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने गरीबों के लिए बहुत इतिहास बोला है, काय बोले इतिहास, गैस सिलेंडर दिया है तो काय दिया है, तो गैस सिलेंडर है। अभी प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आई है ना, कांग्रेस में आई है, उससे कोई फायदा होगा कांग्रेस? अब कांग्रेस को होगा, वो ना कांग्रेस जाने, अपने को कोई मतलब नहीं। लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी? सरकार बीजेपी की जाएगी यहाँ से, यहाँ से जाएगी। हाँ, और कांग्रेस की आएगी? आएगी। इनका कहना ये है मुंशी जी का कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कारण कुछ भी हो लेकिन आएगी कांग्रेस की सरकार। और भी लोग हैं भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है सर। साजिद भाई क्या लगता है, आप यूथ हैं, युवा क्या सोचते हैं आपकी जमात के, कि क्या किसकी सरकार आ सकती है, कांग्रेस के कितने चांस हैं इस बार, जनता का मूड क्या है? नहीं, हमारे हिसाब से सर कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जोर कांग्रेस का है। सुजानगढ़ में हम जनता का मूड जानते हुए आप पहुँचे हैं घंटाघर इलाके में, और यहाँ पर जानते हैं लोकसभा इलेक्शन में जनता का मूड क्या होगा। यहाँ पर एक मिर्ची विक्रेता है, और मुझे मिर्ची विक्रेता के नाम से फिल्म ध्यान आ रही है, सरफरोश, आमिर खान की फिल्म थी, उसमें भी एक मिर्ची सेट थे, ये भी मिर्ची सेट है, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपका, नाम क्या है पहले तो? नरेश कुमार चांद्रा। नरेश भाई एक चीज़ बताइए कि जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो जनता का मूड क्या लग रहा है आपको, एक घंटा इलाके में आप पॉलिटिक्स में बात करते होंगे, तो क्या लगता है मूड? जनता का मूड ये है, भारतीय जनता पार्टी आएगी फिर से। क्यों आएगी? मोदी लाना चाहते हैं। अभी आपने जब यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हुए थे तब तो मोहनलाल जी को जिताकर भेजा है, वो तो एक माहौल होता है ना, फिर राज्य का अलग होता है, केंद्र का अलग होता है माहौल, केंद्र का अलग होता है, राज्य का अलग होता है, और इस बार क्योंकि केंद्र का मसला है इसलिए ये नरेंद्र मोदी को वहाँ पर देखना चाहते हैं। अच्छा एक चीज़ बता दीजिए कि कांग्रेस क्या प्रियंका गांधी के आने से मजबूत हुई है? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई मजबूत नहीं हुई है, पहले भी वो प्रचार कर चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अभी भी ऐसे ही लगता है, अभी जो मोदी का प्रभाव है वही रहेगा। इस बार इनका कहना है कि प्रियंका गांधी आई तो है लेकिन उसका प्रभाव नहीं होगा, और कुछ युवा हैं उनसे बात कर लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? प्रकाश है। प्रकाश भाई क्या करते हैं आप? दुकान है मेरी। अच्छा आप दुकान है, व्यवसायी हैं, तो इस बार ये कहा जा रहा है कि लोग थोड़े से परेशान थे GST से, नोटबंदी से, आपको लगता है ये सारे मुद्दे इस लोकसभा इलेक्शन में कोई मायने रखेंगे? नहीं, परेशानी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, काम अच्छा ही हुआ है, GST लगा के बार बार टैक्स नहीं भरेगा, एक साथ में हो जाता है। तो अब जनता का मूड क्या है सुजानगढ़ या घंटाघर की, जनता का मूड क्या है? मोदी सरकार आएगी अब की बार, इनके हिसाब से भी मोदी सरकार आएगी। यहाँ पर कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम भागीरथ है। भागीरथ जी आपको क्या लगता है कि किसके सरकार आ सकते हैं इस बार, जनता का मूड क्या हो? मेरे को तो लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि क्यों इसमें क्यों क्या ये इस जैसा बोल्ड नेता आज तक आया नहीं है कभी। और भी यहाँ पर है उनसे हम बात करेंगे कि जनता का मूड क्या रहता है। भाई साहब नाम क्या है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, हाँ राजकुमार जी एक चीज़ बताएं, अभी असेंबली के इलेक्शन थे, आपने कांग्रेस के यहाँ से जो MLA बना के भेजे मास्टर मोहनलाल जी, अब लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि देश में किसकी सरकार बनी चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए? नरेंद्र मोदी की बनेगी सरकार, उसको वो अच्छा है, उसको ही बनाएंगे। तो ये राज्य और केंद्र का जब चुनाव हो अलग अलग तो मूड क्यों? वो तो अलग बात है, ये लोकसभा के चुनाव के है ना, इसलिए मोदी को बनाना चाहते हैं, मोदी अच्छा है, मोदी को बनाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि जब केंद्र और राज्य की बात होती है तो थोड़ा सा मामला अलग अलग हो जाता है। और लोगों से हम बात करते हैं इस बाजार में, घंटाघर बाजार में, कि क्या राय है लोगों की, जनता का मूड क्या है। अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं तो आपको लगता है कौन कौन से मुद्दे हावी होंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में ये तो अभी का मुद्दा ही है। कौन सा? कश्मीर में हुआ उसका तो मुद्दा होगा ही। और
और मेरी राय से कोई नहीं। और ये GST नोटबंदी या बेरोजगारी ये मुद्दे होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से सब भूल गए हैं सारे, सब भूल गए। तो अब जनता का मूड क्या है, आप लोगों का मूड क्या है इस बारे में? मेरा मूड तो देखो कांग्रेस का ही है, कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस को वोट दूंगा, कांग्रेस को ही चाहता हूँ। दवाइयों का जो है फ्री है वो पहले सरकार ने किया था, और जो पेंशन योजना है वृद्धा व्यवस्था 60 से 70 साल वो भी गहलोत सरकार ने की थी, और एक दो फायदे भी हैं उसमें कांग्रेस सरकार में। वो मतलब राजस्थान कांग्रेस सरकार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, बहुत अच्छा। और ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार जो काम कर रही है उसका फायदा कुछ मिलेगा। भाव जी आपका नाम क्या है? फारूक राव। फारूक साहब क्या लगता है इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, पहले तो बता दीजिए मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं? मुद्दे तो यही है, भी केंद्र में सरकार है तो ये भी राजस्थान की सरकार है और यही मुद्दे रहेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि इस बार इलेक्शन जो होंगे तो जनता का मूड क्या देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? यहाँ की जबरदस्त फाइट रहेगी, कांग्रेस का भी पलड़ा भारी रहेगा ये सुजानगढ़ तहसील में। तो सुजानगढ़ तहसील में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा ऐसा फारूक भाई का कहना है। आपका नाम क्या? मेरा नाम मनोज जैन। मनोज भाई आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में क्या होने वाला है, क्योंकि एक प्रियंका आई है कांग्रेस में, तो लोगों को लगता है चुनाव ऐसे है कि अभी जो सैनिकों ने मारा है 40, ये अभी युद्ध और ऐसे कर दिया तो मोदी जी एकदम डंके की चोट आएंगे, अरे ऐसा नहीं करेंगे तो मोदी जी नहीं आएंगे। मनोज जी का कहना ये है कि यदि मोदी ने अच्छा काम किया, युद्ध करवा दिया आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की, तो मोदी 100% आ जाएंगे, अन्यथा थोड़ी संभावना कम उनको लग रही है। हम और लोगों से जानेंगे जनता का मूड कि उनका मूड क्या है लोकसभा चुनाव के लिए। आइए चलते हैं। इस समय हम गांधी चौक में हैं और भी युवाओं से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता का मूड क्या रहने वाला है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशबू सुंदरिया है। इस बार क्योंकि आप यूथ हैं, लोगों को लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत हुई है और शायद कांग्रेस आ सकती है वापस इन चुनाव में, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की वापसी सत्ता में संभव है कुछ ऐसा? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रियंका गांधी के आने से उसमें कुछ जितना नरेंद्र मोदी ने आज तक किए 5 सालों में देश के लिए, तो बिल्कुल अब की बार भी मोदी सरकार ही आएगी। और क्या खास लगता है युवा होने के कारण कि आपको नरेंद्र मोदी को और मौका मिलना चाहिए? अभी तक 5 सालों में लगा है उसने जितने काम किए हैं देश के लिए, तो सारे फेवर में है युवाओं के लिए, तो शायद नरेंद्र मोदी ही आएगा। मैम आपका नाम क्या? ज्योति शर्मा। ज्योति जी एक चीज़ बताएं कि क्या लगता है आपको, भी क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी आएगा या कोई बदलाव हो सकता है? नरेंद्र मोदी आएंगे। आपने जब भी असेंबली इलेक्शन हुए थे तो यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं, फिर ये बदलाव क्यों यहाँ कांग्रेस केंद्र में भाजपा? वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मोदी जी के आने का है। सबकी अपनी अपनी सोच है ये कहना है ज्योति जी का। और भी युवा हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये युवा क्या सोचते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार की वापसी होगी या फिर कांग्रेस आ सकती है। भाई जी नाम क्या है आपका? गोपाल जी। गोपाल भाई एक चीज़ बता दी, क्या सोचते हैं आप केंद्र में किसके सरकार होनी चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए, इश्यूज़ क्या होंगे इन लोकसभा चुनाव? देखो मेरा तो ये कहना है कि जो सरकार है वो BJP की सरकार होनी चाहिए, कांग्रेस सरकार में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और कुछ भी अपन जो योजना करते हैं हमारे हिसाब से सरकार BJP की होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। अच्छा, जो राजस्थान सरकार ने अभी 2 महीने में जो काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता है, किसानों की कर्ज माफ़ी है, या गुजर आंदोलन को जल्दी खत्म कर दिया, तो ये मायने नहीं रखते? ये सब कुछ मायने नहीं रखता चुनाव में? ये तो मायने रखते हैं, लेकिन अभी तक जो अपन काम कर रहे हैं, अभी जहाँ पे जगह जगह पे सड़कें फूटी हुई है, लोगों को परेशानी हो रही है, लोग इतना है कि कांग्रेस के राज में चलो कुछ हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी हमारी सरकार BJP सरकार है। हमारा तो ये कहना है कि BJP सरकार। तो इन्होंने माना तो सही कि राज्य सरकार ने कुछ अच्छे काम तो किए हैं, लेकिन फिर भी वो बदलाव चाहते हैं। आज हमने जाना सालासर और सुजानगढ़ की जनता का मूड। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी क्षेत्र की जनता का मूड जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।